हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबीज मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि ट्विंस प्रेगनेंसी में 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक वीक्स वाइज बच्चे का विकास कैसे होता है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्लियर कर दें कि ट्विंस प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप अगले महीने में पीरियड मिस होने के बाद चेक करती हैं, उसके बाद में आपको कंफर्म होता है, तब तक आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ कम्प्लीट हो चुका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं 4 वीक की। तो जब तक हमारा 4 वीक कम्प्लीट होते होते बेबी जो है एक भ्रूण के आकार का दिखाई पड़ने लग जाता है एंड उसकी जो तंत्रिका ट्यूब होती है वो भी बनना स्टार्ट हो जाती है एंड यहीं से बेबी की रीढ़ की हड्डी, मस्तिष्क एंड मेरुरज्जु एंड नसें भी निकलती हैं और बेबी का जो दिल होता है वो भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं 8 वीक कंप्लीट होने पर। 8 वीक कंप्लीट होने पर आपके जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके जो प्रमुख अंग होते हैं वो बहुत तेजी से बनना स्टार्ट हो जाते हैं एंड दोनों बच्चों का जो दिल होता है वो 150 धड़कन प्रति दर मिनट से धड़कना स्टार्ट कर देता है और दोनों बच्चों के जो हाथ होते हैं वो कलाई से मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उन दोनों बच्चों की जो पैर की उंगलियां होती हैं वो भी इस वीक से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं 12 वीक कम्प्लीट होने पर। तो 12 वीक कम्प्लीट होने पर अगर आपके पेट को हल्का सा दबाया जाए तो आपके दोनों बेबी बिल्कुल प्रतिक्रिया करेंगे, क्योंकि अब वो पूरी तरह से आकार ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं 16 वीक के बारे में। तो 16 वीक कंप्लीट होने पर ट्विंस बेबी के जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो भी बन जाते हैं। 16 वीक कंप्लीट होने पर ट्विंस बेबी के जो गुर्दे होते हैं वो यूरिन को बना रहे होते हैं और ज्यादातर जो एमनियोटिक द्रव होता है वो इसी के थ्रू होता है एंड 16 वीक कंप्लीट होने पर बेबी जो है एमनियोटिक द्रव को निगलना भी स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 20 वीक्स कंप्लीट होने पर आप अपने बेबी से बातचीत कर सकती हैं एंड आप इस दौरान आप गर्भ संस्कार का भी अभ्यास कर सकती हैं, क्योंकि अब बेबी थोड़ा बहुत आपकी बातों को सुनना भी स्टार्ट कर देते हैं। और 20 वीक कंप्लीट होने पर जो आपके बेबी के जो सर की त्वचा होती है उस पर भी बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं और इस वीक से दोनों बेबी की त्वचा पर एक चिकनी और सफेद रंग की परत आ जाती है जिसको वर्निक्स कैसोबा कहा जाता है। इस परत का काम होता है जो बेबी लंबे समय तक एमनियोटिक फ्लूइड में रहने वाला है उससे बेबी की त्वचा की रक्षा करती है। अब हम बात करते हैं 24 वीक्स के बारे में। तो 24 वीक कंप्लीट होते होते उनकी जो नन्ही नन्ही वहें होती हैं वो भी दिखना स्टार्ट हो जाती है और उनके दूध के दांत और वयस्क दांतों के लिए टूथ वर्ड्स भी मसूड़ों के नीचे बन चुके होते हैं और इस वीक में बेबी की जो त्वचा रहती है वो झुर्रीदार रहती है, क्योंकि अभी बेबी का वजन बढ़ेगा उसके बाद ही में उनकी जो त्वचा होती है वो एकदम से अच्छी हो जाती है। अब हम बात करते हैं 28 वीक्स के बारे में। तो 28 वीक कंप्लीट होने पर उनकी जो पलके होती है उनमें बाल आ जाते हैं और वो इस वीक से अपनी पलके खोल और बंद भी कर सकते हैं एंड वो इस वीक से जो है अंगूठा चूसना या उंगली चूसना भी स्टार्ट कर देते हैं और इस वीक से शायद आपको उनकी हिचकी भी महसूस हो, क्योंकि जब बेबी हिचकी लेते हैं तो पेट में एक झटका सा लगता है तो आप महसूस कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं 32 वीक्स के बारे में। तो 32 वीक्स कंप्लीट होते होते बेबी की जो उंगलियों में नाखून होते हैं वो भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और उनकी जो बाजू होती है, जो उनकी टांगे होती हैं, उनका जो शरीर होता है वो भी भरना स्टार्ट हो जाता है और उनकी बॉडी पर जो है फैट की परत जमा होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वीक तक सर के पूरी तरह से बाल आ जाते हैं एंड कुछ में नहीं भी आते हैं, हल्के पुलके रहते हैं। अब हम बात करते हैं 36 वीक के बारे में। तो 36 वीक के बारे में लगभग ट्विंस पूरे हो चुके होते हैं लेकिन उनका जो फेफड़ों का विकास होता है वो अभी भी जारी रहता है एंड जो आगे का टाइम रहता है 37 या 38 वीक, तो इसमें जो है बेबी का तेजी से वजन बढ़ता है एंड बेबी के ऊपर जो है फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ज्यादातर ट्विंस प्रेगनेंसी में क्या होता है कि 36 वीक में ही ज्यादातर बच्चे डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि ट्विंस में 37 वीक का ही टाइम लगता है, इससे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें बहुत जल्दी डिलीवरी होने के चांस रहते हैं। अगर 37 वीक्स के बाद में आपके बेबी डिलीवर होते हैं तो वो बिल्कुल सेफ एंड बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, इससे पहले थोड़ा सा रिस्क रहता है। और ये था 4 वीक से लेकर के 36 वीक तक का सफर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।